हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग स्लैशर मूवीज के बारे में जिसमें एक्शन मिस्ट्री भर भर कर है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये काउंटडाउन। नंबर 10, हाउस ऑफ वैक्स। मूवी को रिलीज की गई थी 2005 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक वैक्स म्यूजियम से, जहां पे कुछ दोस्त जाके रुकते हैं या फिर मदद मांगने जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके साथ ही बहुत बुरे हादसे शुरू हो जाते हैं। मूवी में देखने लायक यह है व्यूअर्स, क्या वो वैक्स म्यूजियम को छोड़ के निकल पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। नंबर 9, मैनिक। मूवी को रिलीज की गई थी 1980 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की बहुत सारे सीक्वल्स बाद में रिलीज हो चुके हैं और मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी शुरू होती है एक साइकोपैथिक किलर से जो कि न्यूयॉर्क में लड़कियों को मारता है या फिर कह सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को वो अंजाम देने के लिए तैयार होता है और उनकी स्केलेटन को लेकर जाके मैनिक्यू में सजा के रख देता है या फिर अपने घर में सजा कर रख देता है। इसी के ऊपर बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। नंबर 8, हाई टेंशन। मूवी को रिलीज की गई है 2003 में और मूवी बेस्ड है स्लैशर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों से जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मिलने जाती है, लेकिन अचानक से उसी रात एक अनजान आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है। मूवी में देखने लायक यह है व्यूअर्स, क्या उन हमलों से दोनों लड़की बच के निकल पाती है या फिर नहीं निकल पाती है, और इसमें आपको एक साइकोपैथिक ट्रक ड्राइवर नजर आएगा एज अ किलर के रूप में। नंबर 7, उल्फ क्रेक। मूवी को रिलीज की गई थी 2005 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ दोस्त ट्रैवल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उनसे एक साइकोपैथिक किलर की मुलाकात होती है जो कि उन्हें मार देना चाहते हैं। मूवी में देखने लायक है व्यूअर्स, क्या वो तीनों दोस्त उस साइकोपैथिक किलर के हाथों से बच पाते हैं या फिर नहीं बच पाते हैं। इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। नंबर 6, ऑल द बॉयज लव मैंडी लेन। मूवी को रिलीज की गई थी 2006 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर मिस्ट्री एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है मैंडी लेन से जो कि एक अच्छे लड़की के रूप में आपको नजर आएंगे पहले, लेकिन बाद में उसके पीछे बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई हैं और इसी बीच उनके दोस्तों को या फिर कह सकते हैं मैंडी लेन के दोस्तों को कोई मारता रहता है। आखिर उन्हें कौन मार रहा है और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, इसी को बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है प्लस स्लैशर एक्टिविटी से भरी पड़ी है। नंबर 5, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। मूवी को रिलीज की गई थी 1997 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ हाई स्कूल के टीनेजर से जो कि घूमने जाते हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में एक एक्सीडेंट होने के कारण वो अपनी प्लानिंग कैंसिल करते हैं और उस बॉडी को वो एक जगह फेंक के चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके साथ हादसे होना शुरू हो जाते हैं और उनके एक एक दोस्त मरने शुरू हो जाते हैं। मूवी इसी को बेस करके बनी है कि कौन आखिर ये मर्डर कर रहा होता है और क्यों कर रहा होता है। नंबर 4, क्रीप। मूवी को रिलीज की गई है 2004 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर मिस्ट्री एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है केट जो कि एक पार्टी लवर है, वो पार्टी एंजॉय करके मेट्रो स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए आती है, लेकिन स्टेशन में बहुत सारे अजीबोगरीब एक्टिविटी उसे शुरू हो जाती है और अचानक से ही एक किलर उसे मारने की कोशिश करता है। मूवी में देखने लायक यह है व्यूअर्स, क्या कैट अपने आप को बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है। नंबर 3, कोल्ड प्रे। मूवी को रिलीज की गई है 2006 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा मिस्ट्री एंड स्लैशर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ दोस्त जो कि माउंटेन में या फिर कह सकते हैं कि नॉर्वे में जाके स्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन अचानक से एक दोस्त के पांव टूट जाने के कारण वो एक घर में जाके रुकते हैं, लेकिन अचानक से उनके साथ उसी घर में कुछ हादसे होना शुरू हो जाते हैं और एक एक की मौत होनी शुरू हो जाती है। मूवी में देखने लायक यह है व्यूअर्स कि असल में वो मर्डर्स क्यों हो रही है और कौन कर रहा होता है। नंबर 2, हॉस्टल। मूवी को रिलीज की गई है 2005 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है तीन दोस्तों से जो कि यूरोप में ट्रैवल करने जाते हैं, लेकिन अचानक से एक एक दोस्त किडनैप होते रहते हैं और उनकी मौतें होती रहती है। मूवी में देखने लायक है व्यूअर्स की वो मौतें असल में क्यों हो रही है और इन मर्डर्स के पीछे असल में मोटिवेशन क्या है। मूवी कम्प्लीटली एक साइकोपैथिक किलर एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनी है। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे माय ब्लडी वैलेंटाइन 3D। मूवी को रिलीज की गई है 2009 में और मूवी बेस्ड है स्लैशर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है किलर से जो कि किलिंग के ऊपर किलिंग करता रहता है, लेकिन व्यूअर्स मूवी में देखने लायक यह है कि उस किलर का असल में मोटिवेशन क्या है, और लास्ट में जब आप इसका मोटिवेशन जान पाएंगे तो मूवी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। इन टॉप 10 के अलावा भी आप चाहे तो इन मूवीज को भी देख सकते हैं जिन्हें हिंदी में रिलीज की गई है। फॉर एग्जाम्पल हॉलोवीन, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। द टेक्सास चेनसॉ मिसिसरी, इसके भी बहुत सारे पार्ट हैं।
और नाइटमेयर ऑन एलम स्ट्रीट, सॉ, फ्राइडे द 13th, स्क्रीम, रॉन्ग टर्न, द डेविल्स रिजेक्ट्स, द स्टेप फादर और द हिल हैव आइज। ये सभी के सभी मूवीज आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉप 10 काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट अपना जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।